अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू फूडीज कॉर्नर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ज़बरदस्त से वेनिला कपकेक्स की रेसिपी। मैंने इंडिपेंडेंस डे पे बनाए थे ये और बहुत ही ज़बरदस्त बने थे, बहुत ही मज़ेदार बने थे ये। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो मिलती रहे। चलें रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 कप पाउडर शुगर और इसमें मैं ऐड कर दूँगी ऑयल। 1/2 कप ऑयल ले रही हूँ मैं। आप इसकी जगह बटर, अनसॉल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको अब मैं बीट कर लूँगी दोनों चीज़ों को एक साथ 1 से 2 मिनट के लिए। चलें ये देखें, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें मैं एग्स ऐड करूँगी, तो 2 अंडे यूज़ कर रही हूँ मैं और 1 बाय 1 मैं डालूँगी। यहाँ पे मैंने 1 अंडा डाल दिया है, इसको भी मैं बीट कर लूँगी। चलें अब मैं इसमें दूसरा एग भी डाल दूँगी और इसको मज़ीद मैं 2 से 3 मिनट के लिए बीट कर लूँगी। चलें जी ये देखें, अच्छे से बीट हो चुका है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ वेनिला एसेंस। 2 टीस्पून मैंने वेनिला एसेंस डाल दी है इसके अंदर। अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसको और मज़ीद इसको मैंने 1 से 2 मिनट के लिए बीट कर लिया है। अब इसमें मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दूँगी, तो यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है 2 कप और 3/4 कप, ठीक है। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें ऐड किया है बेकिंग सोडा। और इसको भी मैं बीट कर लूँगी अच्छे से। साथ ही मैं इसमें मैं ऐड करूँगी बटर मिल्क, तो यहाँ पे 2 कप मेरे पास बटर मिल्क है। आप 2 कप मिल्क लेगा और उसके अंदर 2 टेबलस्पून विनेगर डाल दीजिएगा सिरका डाल के। उसको 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे काउंटर पे छोड़ देंगे तो हमारा बटर मिल्क रेडी हो जाएगा। चलें जी ये अच्छे से देखें, मैं बीट करती जा रही हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करती जा रही हूँ इसमें और इसको मैं अच्छे से बीट कर ले रही हूँ। चलें ये देखें, ज़बरदस्त सा हमारा ये कपकेक्स का बैटर तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैंने कपकेक ट्रे को रेडी कर लिया है, इसमें मैंने लगा दिए हैं कपकेक लाइनर्स और इस तरह से मैं इसको फिल करती जाऊँगी। अवन आप प्रीहीट करने के लिए रख दीजिएगा 10 से 15 मिनट पहले, और अगर पतीले में बेक कर रहे हैं तो वो भी आप 10 से 15 मिनट पहले ही हाई फ्लेम पर प्रीहीट कर लीजिएगा। और अब इसको मैं बेक कर लूँगी 15 से 20 मिनट तक के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे पतीली में। अवन में अगर आप बेक कर रहे हैं तो 180 डिग्री पे 10 से 12 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, ठीक है जी। चलें इसको अब बेक कर लेते हैं। ये देखें जी, ज़बरदस्त से हमारे कपकेक्स रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने विपिंग क्रीम भी रेडी कर ली थी, उसको मैंने अच्छे से बीट करके इसके अंदर ग्रीन कलर मिक्स कर दिया था और थोड़ी सी मैंने वाइट ही रहने दी थी। और यहाँ पे मैंने एक पाइपिन बैग ले लिया है और इसमें अपनी जो हमारी क्रीम थी इसको फिल कर दिया है। साइड्स पर मैंने ग्रीन डाला है और बीच में मैं थोड़ा सा फिल कर रही हूँ वाइट विपिंग क्रीम को, ठीक है जी। चलें अब ये देखें, कपकेक्स को हमने अच्छे से ठंडा कर लेना है रूम टेम्परेचर पे। जब ये आ जाएंगे तभी हमें इसकी आइसिंग करनी है। ये देखें ज़बरदस्त सी इसकी आइसिंग, मैं आपको दिखा देती हूँ करके। ये देखें ज़बरदस्त सी है, हमारी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं कपकेक्स। और इसी तरह से मैं हमारे सारे कपकेक्स की आइसिंग कर लूँगी। चलें जी ज़बरदस्त हमारे बहुत ही मज़ेदार से वेनिला कपकेक्स तैयार हो चुके हैं और आप ये देख सकते हैं कितने ये खूबसूरत लग रहे हैं। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।